Assalamu alaikum jangto. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қапты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге неше көсе көрсетті, көсенің көсе. Кұш лоқ шабе қадыр бе, апға мәсіз керге, апсе әсе мағи мағдың. Ап сөзден бұдан ешіне қап ап құнды пар дей. Ел бәң жо сары мілге хамға бағал бұнар ә, мазар чөт ке бәчі. Ечіне ғар ғар और इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं होते, अजीब अजीब नए नंबरों से आपको मैसेज आ रहे होते और आपका इनबॉक्स सॉरी के मैसेज से भर जाता है। तब बंदा सोचता है तुम्हें और किसी गुनाह की सजा मिले या ना मिले, ये जो तुमने तंग किया हुआ है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम जरूर जन्नत में सड़ोगे। जीत आगे बढ़ने से पहले आप सबको रमजान की मुबारक हो और सारा ध्यान पकौड़े खाने पर नहीं लगाना, क्योंकि अपनी अम्मी की मदद भी करनी है जो इस गर्मी में आपके लिए पकौड़े बना रही होती। वैसे तो अगर कोई रमजान की बात करे तो जहन में रहमतें और बरकतें आती हैं, लेकिन इन लोगों के जहन में पकौड़े और समोसे घूमना शुरू हो जाते हैं। ये लोग रमजान शुरू होते ही पूरी रात नेट पे लगे होते हैं, जैसे पता नहीं नेट से कौन सा सवाब घुमा रहे हो। वैसे तो ये तरावी पढ़ने के लिए जाते नहीं है, अगर कहीं गलती से चले भी जाएं तो वहाँ भी एक दूसरे की में उंगलियां ही दे रहे होते हैं और वहाँ से भी कोई अंकल उठ के इनको लात मार के बाहर निकाल देता है। ये पूरी रात जानो मानो के साथ लगे होते हैं और इनकी नीयत ही होती है कि बस सहरी करके सो जाना। ये सहरी में इनके सामने जो होता है वो सारा तो खा ही लेते हैं, लेकिन दूसरों की प्लेट में जो कुछ बचा होता है उसके ऊपर भी इनकी नजर होती है। सायरन बजने से 5 मिनट पहले ये ऐसे पानी पी रहे होते हैं जैसे इनके पेट में कोई टंकी फिट हुई हो। इनको कोई ये बताया कि ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ ऊंट में होती है, तुम ऊंट तो नहीं हो, बंदे हो या नहीं हो। अब बात करते हैं इनकी अफ्तारी पे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो रोजा रखते नहीं है, लेकिन दूसरे को देख कर कह रहे होते हैं, हाँ हाय इसका रोजा रखने का क्या फायदा, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुबह उठ कर सहरी भी करते हैं, दिन पूरा दोस्तों के साथ बोतल और पकौड़े खाते रहते हैं, शाम को घर में आके ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे रोजा इन्हीं को लगा हुआ है, बाकी सब तो पूरा दिन पानी पीते रहे हैं, और फिर खाते ऐसे हैं जैसे पता नहीं कब के भूखे हो, और जब सायरन की आवाज सुनते हैं तो ऐसे कुत्ते की तरह भागते हैं जैसे पकौड़े कहीं भाग के जा रहे हो। इनको पूरा महीना ये जरूर पता होता है कि अफ्तारी गाँव पे मिल रही है और बिरयानी गाँव पे मिल रही है। घर में ये तरावी का बहाना लगा के जाते हैं, लेकिन पूरी रात बाजार में कुत्ते की तरह घूम रहे होते। तो यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि कैसी लगी आपको वीडियो।